हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ये रिक्का पाम जिसके बारे में बताऊंगी। जो इसमें पौधे में ये पानी कम मिला इसको, इसलिए इसकी थोड़ी थोड़ी पत्तियां आगे से जली हुई हैं। और ये इसकी जो ये डंडी है ना, ये पीली पड़ गई है, तो ये कम पानी के कारण पीली पड़ गई। और ये इधर वाली हरी है बिल्कुल। तो इसमें वैसे इसमें पानी कम चाहिए, पर गर्मी के मौसम में तो पानी इसको दिन में एक बार दे ही देना चाहिए। और ये पत्तियां जो जली हुई हैं इसको, इनको मैं सबको तोड़कर और गमले में डाल देती हूँ। गर्मियों का टाइम है इसलिए। और ये पौधा अंदर अपने रूम के अंदर भी रख सकते हैं इसको, इससे हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। ये मेरा जो गमला है ये बहुत बड़ा है, और ये सीमेंट वाला गमला है, इसलिए ये इस तरह का हो जाता है। और आपके पास अगर चिन्नी मिट्टी का गमला हो तो आप इस पौधे को रूम में रख सकती हो, और ये बहुत सुंदर लगता है और अच्छा भी लगता है ये। और मेरा ये रिक्का पाम बहुत बड़ा है वैसे तो, और मैं इसको गर्मियों में धूल मिट्टी इस पे जम जाती है, और इसलिए मैं इसको पानी से नहला देती हूँ ताकि ये सुंदर दिखे और अच्छा लगे और स्वस्थ रहे। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।